आईपीएल 2021 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 12वां मैच खेला जा रहा है। एक तरफ आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में पहली बार बतौर कप्तान खेल रहे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक दिग्गज गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर किस टीम को जीत मिलेगी। आईपीएल में अभी तक खेले चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोनों ही टीमें कुल दो दो मैचों में एक एक मैच गंवा चुकी हैं। हालांकि क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, फॉफ डुप्लेसिस, मोइन अली, अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं। माना जा रहा है कि आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रॉबिन की आक्रामक पारी आपको खेलने में देखने के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो बेशक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जो मैदान पर टिक गए तो अकेले ही चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम पर भारी पड़ जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। खुद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी से हार का डर सता रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ संजू सैमसन मात्र 24 गेंद पर शतकीय पारी खेल सकते हैं। संजू के अलावा भी राजस्थान रॉयल्स की टीम में जोश बटलर, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, रियान पराग जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं, जिनका बल्ला चल गया तो चेन्नई सुपर किंग्स की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को वो ध्वस्त कर सकते हैं।